नमस्ते दोस्तों, मैं हनी लालवानी हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारी इंडियन चाट यानी कचौरी, समोसे, दही बड़ा, चाट पापड़ी या फिर गोलगप्पे हों, वो इस चटनी के बिना अधूरे रहते हैं। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाने वाले हैं और इसे आप काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चटनी को बनाने के लिए आज मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम 2.5 कप पानी डाल देंगे। नाप में देखें तो करीब 500 ml यानी 500 ml हमने पानी लिया है। तो इस पानी में सबसे पहले हम खजूर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 120 ग्राम खजूर लिया है, जिसका बीज यानी जो गुठली होती है वो हमने निकाल दी है। साथ ही 120 ग्राम हमें गुड़ लेना है। जितना आप खजूर लेंगे उतना ही आपको गुड़ लेना है। और इनकी हाफ क्वांटिटी में यानी 60 ग्राम यानी 60 ग्राम्स मैंने यहाँ पर इमली ली है। इमली में भी बीज नहीं है। मसालों में 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 छोटी चम्मच हमने सौंठ ली है। सौंठ यानी अदरक का पाउडर यानी जिंजर पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप गरम मसाला भी ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटी चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर। तो बस ये सारे मसाले हमारे हो चुके हैं और इनका जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसे प्रेशर कुक करना है। तो हम लोग कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और हाई फ्लेम पे यानी तेज आंच पर ही 3 से 4 सीटी आने तक हमें इसे पका लेना है। उसके बाद गैस बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। 3 से 4 सीटी आ चुकी थी, गैस हमने बंद कर दिया था। अभी जो कुकर है इसका प्रेशर अच्छे से ख़त्म हो चुका है। तो हम कुकर खोल के देख लेते हैं और आप देखिए कितने बढ़िया से ये कुक हुआ है और बहुत ही प्यारा कलर इसमें आया है। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो एक खजूर को इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से आप देख लें और देखिए कितने बढ़िया से ये गल चुका है, मतलब अच्छे से कुक हो चुका है। तो बस ये रेडी है। अभी हम इसको एकदम रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये हमारी चटनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अभी इसको हम एक स्ट्रेन कर लेना है यानी छान लेना है। तो मैंने एक बाउल पर एक बड़ी छलनी रख ली है, इस पर हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। तो इसमें जो पल्प होगा वो ऊपर रह जाएगा और ज़्यादा लिक्विड वाला पार्ट है वो सब नीचे बाउल में आ जाएगा। तो बस देखिए अच्छे से हमने छान लिया है। अब ये जो पल्प है इस पल्प को हमें अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं एक मिक्सर जार ले रही हूँ जिसमें हम ये सारा पल्प डाल देंगे। और इस पल्प में हम थोड़ा सा पानी जो है यही वाला ये पानी हम डाल करके इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो बिल्कुल एकदम कोशिश करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट का हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पेस्ट बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने कोशिश करके इसको एकदम स्मूथ पीसा है यानी कोई लंप या चंक इसमें नहीं छोड़ा है। बट अगर कोई लंप या चंक रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसे छानने वाले हैं तो छलनी में वो सब ऊपर रह जाएगा। तो वापस उसी वाली छलनी में जिसमें हमने इसका पहले पानी छान लिया था उसी में इसको हम अच्छे से छान लेंगे और बिल्कुल अच्छे से हमें ड्रेन करना है ताकि जो भी रेशा है या बड़ा टुकड़ा है वो ऊपर छलनी में रह जाए। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारा रेशा इसमें है। तो बस इसे हम फेंक देंगे और इसका जो पल्प था उस पल्प को हमने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है और सारे पल्प को हम नीचे बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। तो बस इस वाले रेशे को हम फेंक देते हैं और पानी के साथ में ये जो गाढ़ा वाला पल्प है इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी जो भी हमें डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए वो इससे आ जाएगी। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर के रेडी हो चुकी है। देखिए एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आई है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। इससे थोड़ी गाढ़ी भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वैसे भी हम इसे स्टोर करने वाले हैं। तो इसे स्टोर करने के लिए किसी कांच के साफ जार में आप इसको भर करके फ्रिज में स्टोर करें। तो फ्रिज में 15 से 20 दिन तक ये आपकी आराम से चलेगी। इसको आप और लंबा चलाना चाहते हैं तो डीप फ्रीजर में आप इसे रखें तो 3 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसे आप किसी भी चाट के साथ, दही बड़े के साथ, गोलगप्पों के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।